छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी किए जाने की मांग को लेकर महमरा निवासी सैकड़ों महिलाओं ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी किए जाने की मांग को लेकर महमरा निवासी सैकड़ों महिलाएं जिला मुख्यालय पहुंची और जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन लेकर पहुंची महिलाओं का कहना था कि नशा अपराध की जड़ है। आज 90% अपराध शराब के कारण हो रहे हैं। नशे के कारण ही छोटी छोटी बच्चियों के साथ आपराधिक घटनाएं, बलात्कार, महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, आत्महत्या जैसी घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है, जिससे शारीरिक व मानसिक बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। आर्थिक, सामाजिक नैतिकता की यदि बात करें तो दिन पर दिन इसमें भी इजाफा हो रहा है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की जाए, जिससे शहर की बहन बेटियां सुरक्षित हो सके और शराब से होने वाले कलह से भी सभी का घर बचा रहे। हम लोग आज जनदर्शन में और भूपेश बघेल जी को ज्ञापन देने आए थे शराबबंदी के लिए, और दूसरा विषय था सर्वे सूची की बाध्यता को हटाने के लिए। दो विषय के लिए आए थे छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पूर्ण रूप से हो करके, क्योंकि दिन ब दिन घटनाएं बढ़ते जा रही है। बलात्कार बेटियों के साथ भी इतनी सारी घटना बढ़ते जा रही है। महिलाएं भी अब जागरूक हो रही है, तो अब कम से कम शराबबंदी पे लगाम लगाने का समय आ गया है। भूपेश बघेल जी ने कहा था कि सामाजिक बुराई है नशा, तो यह मैं ये बोलूँगी कि सामाजिक बुराई अगर नशा है तो सामाजिक लोगों को ही जागरूकता लाने की जरूरत है और शराब बंद करवाने की आवश्यकता है आज के समय में। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।